Hello, my lovely children of 8th class. How are you all? I hope you all are healthy and safe at your home. Remember one thing time is very precious, so do not waste your time and uh, utilize it in these, uh, these lockdown days. Fine? Now we come on our main topic that is lesson number 2 of your geography book. Name of the lesson is land soil, water, natural vegetation and wildlife resources. so let's start. landslide. landslide. यानी कि भू सखलन भूसखलन इसको हिंदी में भी बोल देते हैं लैंडस्लाइड ये आमतौर पर पहाड़ों में देखने को मिलता है ठीक एक नेचुरल फिनोमिना चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं पहले लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन स्लोप यानी कि जो लैंडस्लाइड होता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो चट्टान होती हैं पहाड़ जो होते हैं उनका टूट करके नीचे गिरना ठीक है अच्छा जेब्रेस मीन्स होता है मलबा मलबा आना ठीक है धरती पर आ जाना मलबे का नीचे आना स्लोप स्लोप ध्यान से होते हुए नीचे आना ठीक है तो मैं आपको बता रहा था कि आमतौर पर पहाड़ों में ये देखने को मिलता है जो हिली एरियाज होते हैं दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स फ्लड्स एंड वोल ये जो आ, ये जो होता है लैंडस्लाइड uh, स्लाइड ये आमतौर तो पर या तो अर्थक्वेक हुआ हो यानी कि भूकंप आया हो ठीक या बाढ़ आ गई हो या वोल कैनोज की वजह से हो जाता है यानी ज्वालामुखीज के फटने की वजह से हो जाता है और uh, ये जो है अप्रोलोंग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम यानी कि अगर बारिश बहुत लंबे समय तक हो जाए ठीक है तो जो लैंडस्लाइड होती है तो हैवी लैंडस्लाइड हो जाती है और वो लैंडस्लाइड जो होगा वो क्या करेगा कि नदी के रास्ते को जहाँ से नदी ने बहना है उसको रोक देगा ठीक आपको वो याद होगी एक घटना केदारनाथ फ्लड शायद आप लोगों ने सुना हो ठीक एक बार आपको चलो स्टोरी बता देता हूँ कि केदारनाथ में एक फ्लड आया था बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और वहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत सारे एक तो उसके पीछे कई सारे रीज़न थे तो देखिए फ्लड तो खैर नेचुरल फिनोमिना है कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आने लगी मगर नुकसान जो ज़्यादा हुआ वो उसका रीज़न था कि वहाँ पर लिमिट से ज़्यादा टूरिस्ट पहुँचे हुए थे और कंस्ट्रक्शन जो थे वो रिवर साइड पर किए हुए थे यानी कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन रिवर साइड पे थे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था 2013 की ये बात है तो आप लोग इस पर आप लोग अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछ सकते हैं केदारनाथ फ्लड के बारे में तो देखिए आगे चलते हैं द फोर मोशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज है सेटलमेंट्स डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग यानी कि जब नदी का जो प्रवाह होता है वो अवरुद्ध हो जाता है तो अवरुद्ध हो जाने की वजह से क्या होता है कि जो जो निचली जो नीचे की जो घाटियाँ होती हैं ठीक है ना अच्छा उनमें तबाही हाँ आ जाती है क्योंकि तो जब पानी का जो फ़्लो रुक जाएगा तो पानी का फ्लो रुकने की वजह से कभी तो पानी फिर एकदम से निकलेगा बाहर तो जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पीडली पानी बहुत तेज़ी से पानी एकदम से आ जाता है ठीक है तो यही रीज़न बना था आ, कभी अगर वो वीडियोज़ आप देखें उसकी क्लिपिंग देखें केदारनाथ फ्लड की तो देख करके बिल्कुल एक बहुत डरावना एक सीन लगता है और जो है क्योंकि पानी जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादा बड़ी स्पीड से पानी जो आता है बहुत तेज़ी से पानी आता है क्योंकि रुका हुआ पानी होता है ठीक है अच्छा तो बहुत ही एक नेचुरल फिनोमिना है बट एक बहुत मैं कह सकता हूँ कि बहुत डराने वाली चीज लगती है इन द हिली टेरेन लैंडस्लाइड्स हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई अप पोजिशन ऑफ मेजर कंसर्न ठीक है अच्छा यानी कि uh, ये जो आप पहाड़ी भूभाग में जो ये जो लैंडस्लाइड आ जाता है भूस्खलन होता है एक मेन और बहुत बड़े रूप से फैली हुई प्राकृतिक आपदा है जो आमतौर पर जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है और चिंता का एक एक मुख्य विषय भी है ठीक है तो ये तो मैं आपको बता ही रहा था अभी कि लैंडस्लाइड जो होता है ये अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है बट एक नेचुरल फिनोमिना होता है तो इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हाँ कुछ चीज़ों को हम लोग जरूर रोक जरूर सकते हैं कुछ हद तक बच सकते हैं आपको मैं एक और बात बता दूँ जैसे अर्थक्वैक है या फ्लड है या लैंडस्लाइड है ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ठीक ठीक है ज़्यादा इसमें कुछ और तो नहीं बट हम लोग कुछ हद तक जो डैमेज होने वाला है प्रॉपर्टी डैमेज होने वाला है ठीक है अच्छा जो आ, लाइफ को डैमेज होने वाला है उसको हम कुछ हद तक रोक जरूर सकते हैं ठीक है कुछ प्रिकॉशंस करके उसको रोका जा सकता है तो वो देखिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में डेफिनेटली मेंशन होगा देखिए आगे एक केस स्टडी दिखाई हुई है केस स्टडी क्या है लैंडस्लाइड है और एक पिक्चर भी आप देख रहे हैं कि एक पिक्चर में एक लैंडस्लाइड का एक सीन दिखाया हुआ है केस स्टडी अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पांगी विलेज नियर रेकोंग पीओ इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज आ 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22 देखिए क्या था कि हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश में बहुत हिली रीजन है तो पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ पर क्या है कि किन्नौर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है ठीक है तो वहां किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो एक रेकोंग नाम का एक विलेज है रेकोंग पीओ के नज़दीक एक पंजी गांव का सॉरी एक गांव है जहां पर बहुत बड़े लेवल पर लैंडस्लाइड हो गया और इसकी वजह से जो नेशनल हाईवे होता है नेशनल हाईवे नंबर ट्वेंटी टू जो कि हिंदुस्तान और तिब्बत को जोड़ता है मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ से क्या बोलते हैं अपना इंडिया से आ, हमारे देश से चाइना बॉर्डर की तरफ रोड जाती हैं और ये वाया हिमाचल होते हुए और एक तरफ़ से आप वाया जम्मू एंड कश्मीर कारगिल होते हुए भी जा सकते हैं तो दो तरफ से तिब्बत की तरफ जाया जा सकता है दो रूट हैं इस समय जाने के और जो वाया जम्मू कश्मीर और जो आप ये श्रीनगर वाला रूट है कारगिल वाला रूट है ये थोड़ा सा, आ, साफ रूट है रोड साफ़ है मगर अगर जो रोड है जो आप वाया हिमाचल वाले रोड से जाते हैं अगर तो ये सेफ़ तो है बट क्या है कि जो जो रोड है उस पर नेचुरल डिज़ास्टर्स की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी जो फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा ना होने की वजह से हालांकि गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है ठीक है आर्मी हर साल बहुत कोशिश करती है मगर क्योंकि नेचुरली वो है तो हर साल बहुत ज़्यादा बर्फ आ जाती है वहाँ पर जैसे आ, ये आप मनाली से जैसे ही आप ऊपर चलते हैं तो रोहतांग है कई सारे वहाँ पर वो पड़ते हैं आ, आ, उनको बोलते हैं दर्रा ठीक है अच्छा पासेज तो कई सारे पासेज होते हैं नेचुरल पासेज सॉरी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइट होती है पहाड़ों की तो इतनी ज़्यादा हाइट होती है कि वहाँ पर आपको मई जून के मौसम में भी आपको बर्फ मिलेगी अभी तो इन दिनों तो रास्ता ही ब्लॉक होगा तो अभी गवर्नमेंट वहाँ पे रास्ता खोलने की कोशिश करती है और बर्फ़ को हटाती है फिर जाके रास्ता बनता है तो ऐसी ही तो वहाँ पर कई सारे गांव ऐसे हैं वैली के जो उन पहाड़ों की वजह से कट जाते हैं अभी वो जो गांव होंगे वो अभी हमारी लैंड से कटे हुए होंगे तो वहाँ पर सिर्फ हेलीकॉप्टर से तो पहुँचा जा सकता है बाकी कोई सप्लाई इस समय नहीं हो रही होगी क्योंकि बर्फ पड़ने की वजह से चारों तरफ का जो रास्ता है उनका ब्लॉक है गवर्नमेंट उसका उसको रेगुलरली जैसे ही वेदर क्लियर होता है उसको हटाने की कोशिश करती है तो ऐसी ही एक जो स्टोरीज में बताई हुई है कि जो गांव है वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया जिसकी वजह से नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया ठीक है अच्छा दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पांगी विलेज अब ये ब्लास्ट एक्चुअली में सॉरी ये जो लैंडस्लाइड है ये लैंडस्लाइड किसकी वजह से हुआ क्या नेचुरली हुआ ये जो लैंडस्लाइड है ब्लास्टिंग की वजह से हुआ आपको मैं एक और बात बता दूं कि कंस्ट्रक्शन की वजह से जब कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है तो तो रोड्स बनाने के लिए कई बार माउंटेंस को काटने के लिए ब्लास्टिंग करनी पड़ती है ठीक है ब्लास्ट करते हैं बॉम्ब लगाते हैं डायनामाइट्स लगाते हैं और फिर डायनामाइट्स लगा करके उन पहाड़ों को रास्ता बनाने के लिए उन पर ब्लास्ट कर देते हैं तो जब ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट से कई बार लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी रहती है दूसरे इलाकों में क्योंकि उसकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा होती है ठीक है उसकी वजह से दूसरे जो कि जहां पे ब्लास्टिंग नहीं भी हो रही थी दूसरे सेफ इलाके में भी ठीक लैंडस्लाइड होने की पॉसिबिलिटी रहती है तो ये जो एग्जाम्पल यहां पर बता रहा है वो यही कुछ हुआ कि ब्लास्टिंग हुई और ब्लास्टिंग की वजह से लैंड हो गया गांव के अंदर ठीक है जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो गया नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया अच्छा ड्यू टू ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलेब्ज एंड कॉज्ड इंटेंस डैमेज टू रोड एंड नियर बाई विलेज ठीक इस ब्लास्टिंग की वजह से जो uh, कमज़ोर इलाका था जो ढलान वाला ठीक है जहाँ पर लैंड स्लाइड की पॉसिबिलिटी थी पहले से ही तो वहाँ पर लैंड स्लाइड हो गया और काफ़ी नुकसान पहुँचा सड़क को भी और आसपास के गाँव को भी तो दपांगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटिड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ तो बाद में फिर क्या हुआ कि जो पांगी विलेज है उसको खाली करवा लिया गया ताकि और कोई नुकसान ना हो पाए वहाँ पे जीवन का नुकसान ना हो लोगों की लाइफ का नुकसान ना हो इसलिए उसको खाली करवाया गया उसके बाद नेक्स्ट है मिटिगेशन uh, मैकेजम जो मिटिगेशन वर्ड होता है उसका मतलब होता है कमी या आप कह सकते हो उसको शमन ठीक और मैकेनिज्म uh, तो आपको पता ही है कि क्रियाविधि तो लैंडस्लाइड को कम कैसे किया जाए ठीक है लैंडस्लाइड तो आप ठीक है आ, एक मैंने आपको बताया था ना अभी कि नेचुरल डिजास्टर है अब जो नेचुरल डिजास्टर्स है, डिजास्टर होते हैं ठीक है इनको हम इसमें हम कुछ और तो नहीं मगर इसमें जो हमारी डैमेज होने वाली है उसको कम जरूर कर सकते हैं तो वो कम कैसे किया जाए उस पर अब बात कर रहे हैं देखिए एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स ज एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड वॉट फैक्टर्स कॉज लैंड स्लाइड्स एंड हाउ टू मैनेज दम समिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंड स्लाइड्स आर एज फॉलोज ठीक देखो क्या कहता है कि जैसे जैसे वैज्ञानिक तकनीक बढ़ रही हैं ठीक है वैज्ञानिक तकनीक आ रही है ना बहुत सारी और तो इससे इस हमें यह समझने में आसानी हो गई कि जो लैंडस्लाइड है वो पैदा कैसे होता है वो होता कैसे एक्चुअली में ठीक है जो नई साइंटिफिक टेक्निक्स आ रही है उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो ये भी सीखने को मिल गया कि लैंडस्लाइड का रीजन क्या है ठीक और अब इसको रोक कैसे सकते हैं तो यहां पर कुछ लैंडस्लाइड को रोकने की कुछ तरीके बताए हुए हैं ठीक है जो कि अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है तो नंबर वन हजार्ड मेपिंग टू लोकेट एरियाज प्रॉन टू लैंड स्लाइडस हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स यानी कि ऐसी जगहों पर क्या करना है आ, इन जगहों का मैप बनाना है ठीक है मैप बनाना है मैप मतलब हम नहीं करेंगे गवर्नमेंट करेंगे इसको तो मैप बनाती है गवर्नमेंट और उसके बाद वहाँ पर उस एरिया को मार्किंग कर देती है कि भाई ये जो जगह है ये लैंडस्लाइड एरिया है और ऐसे एरिया में ज़्यादा बिल्डिंग्स और बिल्डिंग नहीं बनानी है ताकि जो यहाँ पर जो है आप लोगों को नुकसान ना हो ठीक है और ये बात बिल्कुल सही है जो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है आप कभी जाएंगे अगर हिली एरियाज़ में तो वाकई में वहाँ पर जगह जगह नोटिस बोर्ड लगे होते हैं कि लैंडस्लाइड एरिया तो जो आप जब जा रहे हैं वहाँ पर तो आप देख लो कि अगर यहाँ लैंडस्लाइड एरिया लिखा हुआ है तो इट मींस वहाँ पे थोड़ा डेंजर है वहाँ कभी भी अपनी गाड़ी को नहीं रोकना है ठीक है अच्छा वहाँ से तुरंत आगे निकल जाना है तो क्योंकि वहाँ से पत्थर वग़ैरह जो होते हैं उनकी गिरने की पॉसिबिलिटी है और वहाँ से तुरंत हट जाएँ वहाँ से आगे निकल जाए तो इस बात को ध्यान देना है स्टूडेंट्स आप सब ने भी जब कभी अपने पेरेंट्स के साथ आप जाएं ऐसी जगह पर घूमने के लिए तो देखें आमतौर तो पर हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड स्टेट में जब आप जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ पर लगे होते हैं नोटिस बोर्ड ठीक है board, इस बात को ध्यान देना है ऐसी जगह पर नहीं खड़े होना तो गवर्नमेंट जो है ऐसी इंस्ट्रक्शंस लोकल लोगों को भी देती है कि भाई बिल्डिंग भी नहीं बनानी वहाँ पर आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग यानी कि ऐसी जगहों पर वॉल बनानी है ठीक है दीवारें बनानी हैं और गवर्नमेंट करती भी है ऐसी जगह पे वहाँ पर दीवारें बना देती है जाली की मदद से और पत्थरों की मदद से दीवारें बनाती हैं ताकि लैंडस्लाइड को रोका जा सके जो मिट्टी आ रही है बह करके पीछे से उसको रोक दिया जाए उसके आगे दीवार खड़ी कर देते हैं ठीक है और ताकि जो रोड है वो स्मूथ रहे उस पर आराम से लोग चल सकें तो ऐसा करते हैं हालांकि कई बार मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन जब कभी हो जाती है कई बार रेगुलरली अगर रेनफॉल होती रहे तो तभी भी उसके बावजूद भी ठीक है इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हो जाता है कि उस वॉल से भी आ करके आगे जो मतलब वॉल के ऊपर से भी ऊपर से मिट्टी के मलबा जो आता है वो जो नीचे सड़कों तक पहुंच जाता है तो वैसे तो खैर जो जिन दिनों बरसातों का मौसम होता है तो ऐसे एरियाज में जाने को ही अवॉइड करना चाहिए ठीक है उसके बाद इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर द अरेस्ट लैंडस्लाइड ये बिल्कुल सही मेथड है जो कि नेचर ने दिया है और जब हमने इस जो पॉइंट के खिलाफ जब हमने खिलवाड़ करी ये लैंडस्लाइड भी तभी देखने को मिला नहीं तो नेचर ने तो ऐसा बना के दिया ही नहीं था प्रकृति तो बहुत सुंदर है और पहाड़ भी बहुत सुंदर होते हैं और जब जब इंसान ने प्रकृति के खिलाफ जाना शुरू कर दिया यानी कि जो पौधे और पेड़ ठीक है जो ग्रास वहाँ होती है वो लैंड जो वहाँ की मिट्टी होती है उसको बाइंड करके रखती है ठीक है जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की उनकी ये क्वालिटी होती है कि वो मिट्टी को बाइंड कर लेती है आपने कभी नोटिस भी किया होगा कभी आप अपने आसपास में छोटा सा एक पौधा उखाड़ के देखो तो जब आप उसे उखाड़ते हो ठीक है कोई घास का आप उखाड़ के देखना तो उसके साथ बहुत सारी मिट्टी आती है आती है ना तो ये क्या है कि ये प्लांट्स अपने आप को बाइंड करके रखते हैं मिट्टी के साथ ठीक है तो अगर जो नेचुरली रूप से ये जो पॉइंट कह रहा है यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है ये नेचुरली है ठीक है इसमें क्या है कि पहले कभी भी ये सुनने में नहीं आता था लैंडस्लाइड वगैरह की बातें यह अभी कुछ सालों से सुनने में आने लगी है लैंडस्लाइड वाली जैसी घटनाएं क्योंकि कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन की वजह से काटने पड़ेंगे पेड़ ठीक है अच्छा ओवर ओवरग्रीजिंग क्योंकि आप जब वहाँ रहने लगेंगे तो अपनी पॉपुलेशन बसाएंगे ठीक है जब वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो एनिमल्स भी रखेंगे आप सब और एनिमल्स जब होंगे ठीक है और फिर आपको अपनी इनकम का साधन भी चाहिए तो आप पहले घर बनाएंगे फिर उसके साथ साथ दुकान भी बनाएंगे वहाँ पर कुछ और कुछ और कुछ और ऐसे करते 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 वो जो पूरा जो एरिया है जो उसकी ग्रीनरी है उस ग्रीनरी को ख़त्म करके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा तो जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो जो लैंड को बाइंड करने का जो फिनोमिना था वो तो रहा ही नहीं तो जब लैंड बाइंड नहीं रह पाएगी जो सॉइल जब बाइंड ही नहीं रह पाएगी तो वो फिर जब भी कभी हैवी रेन होएगी तो वो आएगा जो रूप लैंड स्लाइड के रूप में ठीक है ना तो ये एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है अगर ये वाला रहा ये करते हैं तो फिर तो कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है ठीक है इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड यानी कि वहां पर लैंडस्लाइड यानी वो जो एरिया है उस एरिया में ग्रीनरी बढ़ा ठीक है द सर्फेस डैमेज ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंड स्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज यानी कि जो घरों से निकलने वाला जो पानी है उसके अलावा जो बरसात का पानी है यहाँ तक कि जो झरने हैं पहाड़ों के अंदर बहुत सारे झरने आपको कुदरती रूप से बहते हुए मिल जाएंगे ठीक है उन सबका जो जो वो है मूवमेंट जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए ठीक है वो सारी चीज़ें देखनी है कि किस तरीके से वो कहाँ कहाँ से निकल रहा है ठीक है उस चीज़ को भी अगर कंट्रोल करें तो उससे भी काफ़ी हद तक लैंड को रोका जा सकता है तो ये था लैंड स्लाइड और लैंड स्लाइड को रोकने का मैकेनिज्म ठीक है तो ये जो टॉपिक है आज का जो टॉपिक है वो लोग हम हम यहीं खड़े ख़त्म करते हैं सॉरी तो क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो डिफरेंट टॉपिक है फाइन तो ये जो टॉपिक है हम लोग इसको यहीं एंड कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू